एक पिना कोलाडा और एक क्लब सैंडविच। नथिंग एल्स? नहीं, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरा और मैं हूँ मौजूद जमजम आप एक कैफ़े डिफाइन में। जी हाँ, मैंने कैफ़े डिफाइन का बड़ा नाम सुना, बड़ी तारीफ़ सुनी इसके फूड की, कि बहुत मज़ेदार और अच्छा खाना है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज जाके मैं ख़ुद भी ट्राई करूँ। फूड मैंने ऑर्डर कर दिया है, जब तक कि फ़ूड आता है तब तक हम इस कैफ़े के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जी उनके माइंड में क्या था, क्या सोच के उन्होंने ये कैफ़े जो ऑन किया, इसको स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी जनाब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। उमैस? उमैस? अच्छा, उमैर नाम मैंने सुना, उमैस मैंने पहली बार सुना। उमैस की क्या मीनिंग्स होती हैं? इसके मतलब है प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। यानी कि क्या कहते हैं कि जो आपके दिल का जो दिल का क्या कहते हैं, कनेक्शन होता है वो पेट से होता है। बिल्कुल राइट, तो आपने बिल्कुल सही लोगों की एक साइकी पकड़ी है कि जी उनके दिलों में जगह बनाने के लिए आपको उनके पेट से ही कनेक्शन जाना है। मैंने किया है जी फूड ऑर्डर और देखती हूँ कि आज टेस्ट कैसा है। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, थैंक यू सो मच आप आपका टाइम देने का। अच्छा, मुझे बताएं उमेश के वैसे आप क्या करते हैं इसके अलावा? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। ओह नाइस, अच्छा आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं? गैस बिल्डर्स के नाम से। वेरी नाइस, तो उसमें आप जो है वो कोई गरीबों के लिए भी कुछ करते हैं या बस उनके लिए कंसेशन करते हैं, उनके लिए रियायत करते हैं? अच्छा जी, नहीं आपने ये सोचा कि जो गरीबों के लिए हम जहाँ फायदा है फूड में हम दे सकते हैं, तो ये क्या सोच के आपने कैफे डिफाइन को आपने जो है स्टार्ट किया? लॉकडाउन हो गया था, सारे बिजनेस सारे काम बंद हो गए थे, सिर्फ एक बिजनेस था जो फूड का चल रहा था, हर बंदा खा रहा था। तो मैंने कहा कि हम इस फील्ड के अंदर आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो हम इस रेस्टोरेंट की लाइन में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, उनको नौकरियां दें, उनको रोजगार फराहम करें ताकि उन लोगों के भी घरदारी चले। बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पे अभी उन्होंने स्टार्ट किया है जमजमा पे, आप लोगों ने ज़रूर आना है। यहाँ पे 4 से 5 उनके पास अभी भी वर्कर मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं लॉकडाउन के, लोग जॉब से निकाल रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी सोच है कि लोगों को जॉब दी जा रही है। और साथ ही साथ फूड के जो आपने प्राइस रखे हैं वो बड़े रीजनेबल हैं। इसके अलावा भी मेरे पास डील्स चल रही हैं, मैंने इस रेट्स को भी लॉकडाउन के में आधे कर दिए हैं। अच्छा, आधे कर दिए हैं, 1 buy 1 get 1 free भी कर दिए हैं, कुछ डील्स के अंदर मैंने 2 get 1 free भी कर दिए हैं। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ स्कीम है, आपने कैफे डिफाइन को ज़रूर सर्च करना है। ये ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्ट किया था पहले आपने? ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि इतने मिनिमम 300, 350, 400 इससे ऊपर के मैंने अभी तक कोई प्राइस किसी फूड के देखे नहीं, और उसमें भी इन्होंने एक पे एक फ्री किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और क्या माइंड में सोचते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि नया पाकिस्तान में आप भी साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं? बिल्कुल, लोगों को हम भी साथ दे रहे हैं, लोगों को जॉब दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हर बंदा जो कमा रहा है वो घर पे बैठा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद हुए हैं। और सेकंड ये कि जो लोग जॉब कर रहे थे उनको भी जॉब से फारिग कर दिया गया है, तो इस टाइम मैं जितना जिसके साथ कर सकता हूँ मैंने लोगों को हायर किया और मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे 5 स्टाफ घर पे बैठे हुए जिनको भी मैं हाफ सैलरी पे कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आपका नेक्स्ट प्लान है कि? मेरा नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह ताला ये है कि लॉकडाउन खत्म हो तो कुछ मंथ्स के अंदर सेकंड ब्रांच ओपन करें ताकि हम और लोगों को हेल्प करें जो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, जिनकी जरूरियात हैं, ताकि हर बंदे की अपनी जिंदगी अच्छी गुजर सके। बहुत अच्छी सोच है। मुझे ये बताइए कि अभी आपके पास हाल ही में यहाँ पे 4 से 5 में अभी देख रहे इतने लोग हैं मौजूद आपके पास? बिल्कुल, मेरा 6 का स्टाफ है अभी। 6 people आपने हायर किए हैं, तो अभी क्या रिस्पांस है लोगों का, क्या कहते हैं लोग फूड के हवाले से? मेरा फूड का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, जो बंदा एक बार खाता है वो तारीफ करके जाता है। अच्छा जी, ये मेरे सॉसेस बहुत मशहूर हैं, आप खाएंगी तो आपको पता चलेगा, हमारे शेफ हैं। ठीक है, उनकी सॉस की रेसिपीज जो हैं वो सबको बड़ी पसंद आती हैं। अच्छा, हर जगह के सॉसेस अच्छे होते भी नहीं है वैसे, हमारे सॉस बहुत फेमस है। अच्छा चले जी, हम ट्राई ज़रूर करते हैं इनका फूड, जैसे ही मेरे पास आता है फूड ले आइए जी हमारे पास, ताकि हम भी ट्राई करें और आपको बताएं कि कैसा टेस्ट है। और कैफ़े डिफाइन जो है, कैफ़े डिवाइन, नॉट डिफाइन, डिवाइन को हम कर रहे हैं डिफाइन जी, कैफ़े डिवाइन, थैंक यू। यम्मी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कैमरा मैंस भी देख रहे हैं, मैं नहीं दूंगी तुम लोगों को। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ आपकी यहाँ देखी, मुझे अच्छी लगी, हाइजीन का आपने बड़ा ख्याल रखा है, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही शफाफ और खुशबू भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई स्मेल है या इस तरह की कोई चीज़ भी मैंने अभी तक नहीं देखी। स्टाफ भी आपका प्रॉपर है, प्रॉपर मास्क लगा हुआ है, क्योंकि हमारे भी दरमियान डिस्टेंस है तो हमने मास्क हटा दिए हैं, तो क्योंकि मुझे खाना भी था तो फिर मास्क तो मुझे हटाना ही था।
जी जनाब, तो क्लब सैंडविच आ गया है। आप देख रहे हैं कि देखने में ही बड़ा यम्मी और बड़ा मज़ेदार है, और ये है जी पीना कोलाटा। तो मैं ट्राई करके बताती हूँ। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का है। आपने ज़रूर आना है कैफे डिफाइन, और आके आपने ट्राई करना है। ऑनलाइन किस तरह हम ऑर्डर करें? हमारे पास फूड पांडे की सर्विस है, गो लूटलो है, बोगो है, बिग बैंग वालों का है, और हमारे अपने भी राइडर्स हैं कि आप हमारे अगर ऑनलाइन डिलीवरी नंबर पर कॉल करें तो हमारे राइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे घर तक। डिलीवरी चार्जेस हमने जो हमारे सराउंडिंग का एरिया है वो फ्री है, लेफ्ट एंड डिफेंस कोई दूर का है तो उस पे 100 या 150 चार्जेस है। अच्छा, तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम चार्जेस हैं। आप ज़रूर ऑर्डर करें और ज़रूर फूड मंगवाएं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि लॉकडाउन में तो लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घर पे बैठ के सिर्फ खाना खाते हैं। तो आप क्या वैसे साथ साथ कुछ एडवाइस भी करते रहे लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में ये कप सैंडविच खाना, मैं कहती हूँ, एक बहुत बड़ी महारत होती है, और ये बहुत बड़ा होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको कम करके खा लूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या अपने यूथ को, अपने लोगों को, वो लोग जो घर में फ्री हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनकी मोटिवेशन उनको करने के लिए, उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। जो इंसान जो काम कर रहा है, अगर उसके अंदर उस टाइम सक्सेस नहीं मिल रही तो वो छोड़ नहीं, बिल्कुल मायूस ना हो कि यार मुझे इसमें मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और करूँ। इंसान एक लाइन में चलता रहे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जाके उसको जरूर सक्सेस मिलती है। किसी का मेहनत जो ये जाया नहीं होती है, कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आप एक सोच देखें, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे वो पूरे कैसे होंगे। तो आपको क्या लगता है, छोटे से बजट से आप अपने काम को बिल्कुल शुरू कर सकते हैं? आप कोई भी काम हो, छोटे से हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट लेके बैठे, आप एक नॉर्मल छोटा सा कोई काउंटर लेके बिरयानी का काम शुरू कर सकते हैं, फ्राइज का काम शुरू कर सकते हैं, कोई काम कोई भी हो, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इंसान आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो करता रहे, और एक ना एक दिन जाके वो इंशाल्लाह ताला, मैंने भी बहुत मेहनत की, आज अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये सब मेहनत का फल होता है आपकी। तो अच्छा, इसकी रेसिपीज जो है वो आपकी अपनी है या? ये हमारे शेफ की अपनी है। अच्छा, खुद की रेसिपीज है, क्योंकि हर जगह के सैंडविच बहुत ही यमी है, बड़ा डिफरेंट है, बहुत लाइट वेट है, और बड़ा क्या कहना चाहिए, प्रॉपर हर चीज इसमें मौजूद है। अक्सर क्लब सैंडविच खाते हैं वो कभी स्पाइसी होते हैं, कभी उनका टेस्ट अजीब होता है, लेकिन ये बड़ा मजेदार है। और सीरियस मैं अभी आपने हमारे बर्गर्स ट्राई नहीं किए हैं, बर्गर्स की हम करेंगे। हमारे पास जो क्लाइंट्स आके गए वो कह रहे यार हमने ऐसा बर्गर नहीं खाया। इवन एक मेरे फ्रेंड आए थे, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे ओमाई ग्रिल है, कह रहे आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं खा रही हूँ आपको बात करनी है। इनका पक्का प्लान है कि ये चाह रहे हैं कि मैं मोटी हो जाऊँ, यहाँ के बर्गर शर्गर खाऊँ। वैसे आजकल मैं थोड़ा फूड को जरा कम करती हूँ, हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अगर हम भूखा रहेंगे तो हम पतले होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर 4 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते। अच्छा, वो लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए आपके पास कोई डील्स वगैरह हैं? उनके लिए भी मेरे पास बिल्कुल बहुत सारे डील्स हैं। बताएं जो थोड़े ओवरवेटेड हैं, और उसके लिए हमारे शेफ की अपनी रेसिपीज हैं जिसके अंदर कैलोरीज कम है, और जो लोग जैसे मायनीज और ये चीज समझते हैं कि इससे खाने से मोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए उनके पास ऑल्टरनेट चीजेज हैं। इसके अलावा शुगर फ्री हमारे पास बंस हैं, कि अगर कोई मीठा नहीं खाता तो उसके लिए शुगर फ्री बंस, सैंडविच, स्लाइसेस हैं कि वो उनको वो दिए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट भी ना ज्यादा हो तो भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं कैफे डिफाइन में, आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा। मैस बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत मजे का है। मैंने अभी आहिस्ते मैं इसको साथ बाद में खाऊंगी, क्योंकि कैमरा बंद हो जाएगा, फिर मैं ये सारा खाऊंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज मेरा ये है कि मेहनत करते रहें, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी सोच आपकी पाकिस्तानियों के लिए, उनके लिए आपके दिल में जगह है। मैं और मैस दोनों ही आप लोगों से यही कहेंगे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और हर काम आप जब शुरू करें, क्या कहते हैं कि जहाँ से आप जागें वहीं सवेरा। इंशाल्लाह दोबारा होगी आपसे मुलाकात किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, डॉक्टर फराह को खुदा हाफिज़।